होती हैं, जो कपल आते हैं वो खुद चलाते हैं, और जो फैमिलीज के लिए भी एक अलग से बोट होती है जिसमें वो लोग खुद एक आदमी आपको देते हैं जो बोट चलाता है। तो ये देखिए मेरे पीछे, और मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी बात ये लगी कि पहले भी मैं आप लोगों को जिलानी पार्क लेकर गई थी, वहाँ पर आप लोगों को दिखाया था, पर वहाँ पर ना इसके अंदर परिंदे और वो चीज़ें नहीं थी, पर यहाँ पर मैंने देखा अंदर बतख भी हैं, और एक इतना प्यारा खूबसूरत सा एक कैमल भी अंदर बनाया हुआ उन लोगों ने। तो वो सारी चीज़ें तो आप लोगों को अभी मैं दिखाने वाली हूँ, वैसे थोड़ा सा आप लोग देख लें कि ये क्या है, इसकी लुक देख लें। अस्सलामुअलैकुम, व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। और आज के ब्लॉग में मैं और जनत आई है, कहाँ पर जनत बताएगी, जनत हम कहाँ आए हुए हैं? गुलशन पार्क हम आए हुए हैं, और क्या नाम है, आप लोगों को सारे पार्क की सैर भी करवाएंगे और दिखाएंगे भी। और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन लोगों ने इतने ज़्यादा DM किए और इतना कुछ कहा कि आप लोग वहाँ पर लेकर जाएं, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा लोगों के मैसेज आ रहे थे इंस्टाग्राम पे, लोग मुझे बहुत ज़्यादा वहाँ पर कह रहे थे कि आप लोग इकबाल टाउन पर कहीं आस पास लेकर जाएँ और वहाँ पर कोई चीज़ दिखाएँ। तो इकबाल टाउन में यहाँ पर हम्पटी डम्पटी भी है, उसका फिर हम किसी दिन मैं और जनरल प्लान करेंगे वहाँ जाने का। लेकिन आज हम दोनों ने क्या प्लान किया कि हम आएँगे कहाँ पर, गुलशन पार्क। और यहाँ पर अभी हम चलते हैं जाकर, साथ ही बोट यहाँ पे चलती है, पहले उसकी टिकट लेंगे, आप लोगों को वो दिखाएंगे और उसके बाद फिर वो सारा पार्क भी दिखाते हैं। तो चलें फिर चलते हैं। बोट में बैठ चुके हैं और हम लोगों को बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, क्योंकि कैमरा मैन हमारा बहुत ज़्यादा डर रहा है, घबरा रहा है, वो कह रहा है कि मैं गिर जाऊँगा, और हमने कहा कोई मसला नहीं, आपको हम नहीं गिरने देंगे। और जैसा आपको अच्छा लग रहा है, तो आप भी जब अपनी फैमिली के साथ आएंगे आप लोगों को बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और ये देखें यहाँ पर जब उधर से गुजरेंगे, आगे एक कैमल इन्होंने बनाया हुआ है दरमियान में, आप हमें वहाँ पर लेके जाएंगे? कहते नहीं, कोई नहीं लेके जा, यहाँ पे करो और यहाँ पे अपना ब्लॉग कंप्लीट करो और वापस जाओ। तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं, लेकिन बहुत मज़ा आ रहा है गाइस। एक तो सर्दियों में जब भी कभी सनी डे होते हैं हम घर से निकलते हैं और इस तरह की प्लेसेस पे आते हैं। ये देखें आप, ये देखें डक यहाँ पर, और वो उधर देखें वो कपल जो आए हुए हैं वो खुद चला रहे हैं अपनी बोट, और बीच में डक भी हैं काफ़ी कलर्स, और वो कैमल भी दिखाए। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो प्लीज। YouTube फैमिली, आई होप आप लोग भी इतना ही इंजॉय कर रहे होंगे, आप लोगों को भी इतना ही मज़ा आ रहा होगा जितना मुझे और जन्नत को आ रहा है। अगर आप लोगों को इस तरह की और प्लेसेस देखनी है मेरे और जन्नत के साथ, और कभी अकेले मेरे साथ, और कभी मेरे और अहमद साहब और जन्नत के साथ, तो आपको क्या करना है, आप प्लीज़ हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, ताकि हम आपको इस तरह की प्लेसेस पर लेकर जाएँ। और जब आप लाहौर से की ओर से भी आते हैं, जिस तरह मैं अपने हर ब्लॉग में बोलती हूँ, तो ताकि आप लोगों को कोई मसला ना हो जगह डिसाइड करने के लिए, जैसे आए फटाफट, आप लोगों को पता हो कि है ना अहमद ब्लॉग में वो वहाँ हमें लेकर गई, हम अपने बच्चों को वहाँ पर लेके जा रहे हैं, तो आप लोग भी आए। राइड के बाद अब हम जा रहे हैं कुछ फूड रिव्यू करेंगे, और उसके बाद फूड रिव्यू करने के बाद हम लोग जाएंगे, यहाँ पे पार्क में झूले भी हैं, झूलों वाली साइड पे जाएंगे। अभी मैं अपने कैमरामैन की हेल्प कर रही हूँ, क्योंकि वो खुद नहीं आ सकती, मैडम कह रही है मुझे डर लग रहा है। तो ये इनके जो कोट वोट हमने लिए थे वो हम वापस कर रहे हैं, तो पैसे पूरे हो गए, चलें फिर आगे चलते हैं।
जैसा कि आप सबको पता है मेरे हर व्लॉग में खाने की कोई ना कोई चीज़ होती है। हम जाते हैं और जहाँ भी जाते हैं वहाँ पे खाने का रिव्यू करते हैं। और सर्दी है तो फिर फ्राइज़ खाए बिना रह नहीं सकते। और आपको पता है जन्नत को फ्राइज़ बहुत ज़्यादा पसंद है। जब ये घर पे भी आती है तो ये कहती है कि प्लीज़ आप मुझे फ्राइज़ खिला दो। तो जन्नत अभी फ्राइज़ खाने के लिए एक्साइटेड हो? यस। फ्राइज़ के साथ और कुछ खाना है? यहाँ पे बर्गर भी है, अंडे वाला बर्गर खाना, अंडे वाला बर्गर। चलो एक बार बोल दो फिर, अंडे वाला बर्गर। माशाल्लाह आजकल के बच्चे बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं। आप उनको कोई चीज़ भी सिखाएं एक मिनट के अंदर बोल लेते हैं वो। और अभी देखें हमारे फ्राइज जो हैं वो गर्मा गर्म बन रहे हैं और वो हम आपको टेस्ट करके बताएंगे कि आप लोग जब यहाँ पर आते हैं तो ये फ्राइज़ का टेस्ट कैसा है, कि आप लोगों को खाने चाहिए कि नहीं। और देखते हैं फिर आज कैसा लगता है। और साथ ही देखें अंडे भी हैं और साथ बर्गर भी बनाने के लिए हैं। ये आगे आइसक्रीम भी है। बस सर्दियों में जाहिर है जो फैमिलीज आती है बच्चों से तो वैसे माँ बाप कहते हैं कि आप लोग वो ना खाएं, क्या नाम है, आइसक्रीम खाने को मना करते हैं। लेकिन कभी कभार खाने देनी चाहिए बच्चों को, मुझे लगता है। तो ये देखें ट्रेनर कितने सफाई का भी ख्याल रखा हुआ। सबसे अच्छी बात है कि आप खा सकते हो। मैंने जब फ्राइज़ बनवाने के लिए मैं कहीं भी जाती हूँ, जब भी मैं स्ट्रीट फूड ख़ासतौर पर रिव्यू करती हूँ तो मुझे ये होता है कि वहाँ पे सफाई का देखूँ कि कैसा है। तो माशाल्लाह उन्होंने सफाई के बहुत ख्याल रखा है। तो जब आप आएंगे यहाँ पे बोटिंग है और बोटिंग एरिया से जब आप फ्री होते हैं तो वापस आकर आप यहाँ पर फूड इंजॉय कर सकते हैं। तो चलें देखते हैं हमारे फ्राइज़ कहाँ तक पहुँचे हैं। और मज़े के क्रिस्पी है और गर्म भी है तो मैं इंजॉय करने लगी हूँ अपने फ्राइज़। उसके बाद आप लोगों को और हिस्सा दिखाती हूँ पार्क का। तो चलें फिर चलते हैं। जाते हैं तो एक बहुत लंबी सी इन्होंने एक रोड लगाई हुई है और बहुत दूर तक आप लोगों को लेके जाते हैं। ये ना आपको पूरा सिक्योरिटी की तरह से बांध बोल के और ऊपर सर पे हेलमेट पहना के जिप लाइन वाला, ये उसके लिए स्टेयर से ऊपर जाने पड़ता है। लेकिन मैंने ये लिया आज भी और मैं आप लोगों को वहाँ पर लेके जाती हूँ और बताती हूँ कि मेरा निशाना कितना अच्छा है वो आज आप लोग देख लेंगे। तो चले फिर चलते हैं। हम लोग पार्क के अंदर ही अभी तक फिर रहे हैं और आपको जैसा कि मैंने कहा कि बच्चों के लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ें उन्होंने रखी हुई हैं। झूले भी हैं और बोर्ड तो मैंने आप लोगों को दिखा दी। और आगे आप लोगों को बचपन के डेज़ याद करवाती हूँ। जो लोगों को माँ बाप अगर लेके जाते होंगे बचपन में, जब आप लोग छोटे थे तो वो झूला झूलने, जो पींगे होती थी पार्क में ना, वो मेरा सबसे ज़्यादा शौक, मतलब मुझे सबसे ज़्यादा पसंद ये चीज़ थी। जब अम्मी मुझे पार्क लेके जाती थी तो मैं कहती थी सबसे पहले आप मुझे वहाँ पर लेके जाएँ जहाँ पर वो होती है। तो वो तो पिंक तो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। और उससे पहले क्या नाम, यहाँ पे बच्चों के लिए एक वो ब्रिज सा बना होता है जो आप क्रॉस करते हैं, बच्चे मतलब कि उसके अंदर बिजी रहते हैं। और साथ स्लाइडें भी हैं बच्चों की। तो वो सारी चीज़ें हम पहले देखते हैं, देखने के बाद फिर मैं आपको बचपन के दिन याद करवाने लेकर जाती हूँ। वहाँ पर मैं ख़ुद भी पिंक लूँगी और आप लोगों को भी ऐसा फील करवाऊँगी जैसे आप मेरे साथ हैं वहाँ पर इंजॉय करें। आपने देखा जन्नत ने कितनी मशक्कत की वहाँ से ऊपर आई और अब बोलेंगी यहाँ से स्लाइड। और आप लोग भी जब आए और आपके साथ छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए तो ये बहुत अच्छी एंटरटेनमेंट है। और इस पार्क की एक और बात मुझे अच्छी लगी क्योंकि इस पार्क के अंदर है जब आप जॉगिंग करते हैं, वॉक करते हैं, उसके बाद आपको पता होता है कि फटाफट लोग गाड़ियाँ निकालते हैं और भागते हैं कि हम लोग जिम चले जाएँ।
तो इस पार्क में आप लोगों को जिम जाने की भागने की जरूरत ही नहीं है, जब आप जॉगिंग कर लें, जब उसके जॉगिंग कर जब आप फ्री हो तो यहाँ पर जिम में आ जाएं। और ये उन लोगों ने शायद बंद किया मेंबर्स के लिए, जो बाहर थोड़ी बहुत चीज़ें रखी हुई हैं वो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, वो वहाँ पर आप आकर काफ़ी सारा चीज़ें कर सकते हैं आप। तो आए फिर देखते हैं जिम। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर अंदर लिख के भी लगाया हुआ उन लोगों ने, क्या कितना दे सकते हैं महीना, किस चीज़ का कितनी इसकी दाखिला फ़ीस जो है वो 200 है, और महाना फ़ीस जो है वो 800 है। और जो दूसरे लोग हैं बाहर से आते हैं उनको सख्ती से मना किया कि जो आउटडोर एरिया है इस पर आप लोग कर सकते हो, जो अंदर उन लोगों ने सारा बंद किया वो लोग नहीं यूज़ कर सकते। तो आई थिंक इस तरह देखा जाए तो आप लोग जब जिम वगैरह में जाते हैं तो एक तो फ्यूल भी आप कितना खर्च होता है, क्योंकि आप पार्क आते हैं वॉक करने के लिए, जॉगिंग करते हैं, उसके बाद आपको भागना होता है जिम। तो आप यहाँ पर आएँ और एक तरह से फ्री है, 800 में आप अंदर जिम इंजॉय करें और 200 आप उसकी दाखिला फ़ीस दें। तो मैं तो जिम कर नहीं सकती, वरना आप लोगों को कुछ करके दिखाती, क्योंकि आपको पता मेरा हुआ है बेबी, तो उसके बाद थोड़ा सा भी मैं रेस्ट कर रही हूँ। तो जब मैं जिम जाऊँगी तो इंशाल्लाह फिर आगे तो आप लोगों को जिम वाले ब्लॉग भी देखने को मिलेंगे। तो चलते हैं अब पिंग वाली साइड। सो माय यूट्यूब फैमिली, हम लोग आ चुके हैं पिंग लेने, और आप लोगों को भी आपके बचपन के डेज याद आ गए होंगे, मुझे तो मेरे बचपन के डेज याद आ गए। और जन्नत मेरे साथ हैं, वो मुझे देंगी पिंग और फिर लेते हैं पिंग और आप लोग भी इंजॉय करें। तो स्टार्ट करते हैं। गाइस बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका कि जो आप लोग मेरे ब्लॉग्स भी इतना दिल से पसंद करते हैं और इतने ज़्यादा कमेंट्स भी करते हैं, लाइक भी करते हैं, शेयर करते हैं। तो अगर उम्मीद करती हूँ कि आज का ब्लॉग भी आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को आज का ब्लॉग अच्छा लगा है तो सिंपल इज़ दैट आप लोगों को करना क्या है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और मेरी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और बेल आइकॉन हिट करना नहीं भूलना। तो फिर इंशाल्लाह मुलाकात होती है एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक नए ब्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।